नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सावन के दौरान शिव भक्तों की ओर से की जाने वाली कांवड़ यात्रा के बीच उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक भगवा रंग का साफा पहने दो युवकों ने बिजनौर जनपद के शेरकोट थाना क्षेत्र में जलाल शाह और भूरे शाह की मजार पर तोड़फोड़ की है, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी घटना के बाद की गई कार्रवाई की जानकारी यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि आज बिजनौर के अंतर्गत थाना शेरकोट में पुलिस को सूचना मिली कि दो लोगों ने जलाल शाह की मजार पर तोड़फोड़ की है। दोनों युवक भाई हैं और इनका नाम कमाल और आदिल है, और दोनों ही मजार में भगवा कपड़े और साफा पहनकर तोड़फोड़ कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मजार पर चढ़ाई गई चादर भी जला दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पता चला कि भूरे शाह मजार में भी ऐसी ही घटना हुई थी। एडीजी प्रशांत कुमार ने आगे बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इस मामले में एटीएस भी माहौल खराब करने के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए बिजनौर पहुंच सकती है। फील्ड अधिकारियों को और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी भी चल रही है। आज बिजनौर पुलिस के अंतर्गत थाना शेरकोट में स्थानीय पुलिस ने बहुत ही बड़ी सांप्रदायिक साजिश का होने से रोका। घटना कुछ इस प्रकार से हुई कि ये सूचना लगभग 5 बजे के करीब आई कि दो व्यक्तियों के द्वारा जलाल शाह की मजार पे तोड़फोड़ तथा कुछ चादरें जलाई गई हैं। इस पे बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस वहाँ पहुँची। जब तक पुलिस वहाँ तहकीकात कर रही थी, ये सूचना फिर से प्राप्त हुई कि उसी थाना क्षेत्र में भूरे शाह की मजार पे भी कुछ तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। वहाँ भी पुलिस और पीआरवी की गाड़ियाँ पहुँची तथा बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों व्यक्ति, जिनका नाम कमाल और आदिल हैं, ये सगे भाई हैं। इन लोगों ने गेरुए रंग का पट्टा सर पे बांध रखा था तथा इनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। स्थानीय स्तर पर यह भी सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ धार्मिक ग्रंथ को भी क्षति पहुँचाई गई है, लेकिन वहाँ उपस्थित धर्मगुरुओं के सामने ये चीज़ें चेक की गई तो धार्मिक ग्रंथों को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुँचाई गई है। प्रारंभिक पूछताछ पर इन लोगों ने बताया कि उन लोगों ने शेरकोट कस्बे में सुबह 11:30 बजे एक कुतुब शाह की मजार है, वहाँ भी कुछ तोड़फोड़ की थी जो कि लोगों के संज्ञान में नहीं आई। ये पूरा घटनाक्रम ये दर्शाता है कि विशेषकर जब कांवड़ की का मेला और कांवड़ का रस सबसे ज़्यादा चल रहा है, उस समय इस तरह की घटना कारित करा के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। और भी सतर्कता बरतने के निर्देश सभी फील्ड ऑफिसरों को दिए गए हैं तथा साथ ही साथ हम लोग सोशल मीडिया पे भी लगातार निगरानी रख रहे हैं। वही जानकारी के मुताबिक जब तोड़फोड़ के दौरान दोनों युवकों को वहां मौजूद कुछ लोगों ने धर दबोचा और ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा तो उन्होंने दावा किया कि ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है और राज्य की कई और मजारों को तोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि यूपी में फिलहाल पुलिस हाई अलर्ट पर है और प्रदेश में किसी भी प्रकार से माहौल बिगड़ने से रोकने के लिए काम कर रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस प्रशासन को इस मामले में सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। ऐसे में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश को नाकाम करना यूपी पुलिस की सतर्कता को तो दर्शाता है, लेकिन ये बात जांच के बाद ही सामने आ पाएगी कि आखिर इस षड्यंत्र के तार और कितने शहरों तक जुड़े हैं। इस खबर में बस इतना ही। देश और प्रदेश की अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।